दो चीजा पक्कियां जो गीजे दा शिंगार ने, एक पासे संद दूजे पासे मैग चार ने, टिड्डियां दे पैरे थले चेहरे नहीं ओ दिसदे, लोकी बंदे बिलो खूफिया विचार ने, वग कातलां दा नाल रहिंदा जो। YouTube चैनल वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फाइनली आज काफ़ी टाइम बाद मैं आ चुका हूँ भाई, 4 से 5 महीने बाद आया हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो ही नहीं डाल रहा था। कुछ रीजंस थे, कुछ पर्सनल रीजन भी थे और कुछ मैं बिजी भी था, तो इस वजह से भाई वीडियो नहीं आ रहा था। और मैंने सोचा मेरा चैनल डेड हो जाए उससे पहले मैं वीडियो बना के आप सभी के लिए डाल दूँ, और अब से मैं ट्राई करूँगा रेगुलर वीडियो जाएंगे आप सभी के लिए। तो ये भाई आप सभी को पता नहीं होगा, हाल ही में मैंने ये स्कूटी परचेज़ की है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटी है, और इसी के बारे में आज आपको रिव्यू देने वाला हूँ मैं, ऑनरशिप रिव्यू। मैंने ही इसे परचेज़ किया और मैंने इसको चलाया भी है, और हालांकि मैं अभी देख के बताता हूँ आपको कितना किलोमीटर मैंने इसको चला लिया है। 839 मैंने 839 किलोमीटर इसको चलाया हुआ है, जो कि देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए ये 839 किलोमीटर चल चुकी है ये स्कूटी। तो आज मैं सारा कुछ इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कैसी क्या इसकी रेंज है, कि इसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी है भाई, रेंज तो मैटर करती है कि आप अगर कहीं जाएं लेके तो फंस ना जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बताई जाती है कि 90 to 100 चल जाती है, बट वो कंडीशंस होती हैं भाई, क्योंकि ऐसे नहीं जाएगी। अगर ऐसे ही चली जाए ना तो फिर फ़ायदा ही क्या, अगर 100 किलोमीटर ऐसे बता दिया और आप सोचे कि मैं 100 किलोमीटर तक चला ही जाऊंगा, तो वो आपको गलती नहीं करनी। पहले मेरा वीडियो देखिए या किसी और का, या आप खुद का इसका राइड ले लेना, उसके बाद में आप डिसीजन लेना, वरना आप फंस सकते हैं कहीं भी रास्ते में। तो भाई ये बताते हैं 100 किलोमीटर, और ये 100 तो नहीं जाती है, बट जाएगी भी तो उसकी कंडीशंस हैं वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो बात करते हैं इसी के बारे में, चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे साइड स्टैंड देखने को मिल जाता है, और ये लेडीज़ फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है कुछ इस टाइप का, और ये डुअल स्टैंड भी है यहाँ पे। तो ये इतना कुछ आपको देखने को मिलता है। रियर शॉकर कुछ इस टाइप के हैं, मोनोशॉक सस्पेंशन नहीं है इसमें, और ये फ्रंट में नॉर्मल स्कूटी वाले सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं आपको। बट इसका एक लाइव व्हील जो है वो आपको यूनिक डिज़ाइन देता है, और फ्रंट के टायर्स हैं जो वो ट्यूबलेस हैं, रियर के भी टायर ट्यूबलेस, टायर दोनों ट्यूबलेस हैं और सीएट के हैं, तो ये बढ़िया चीज़ है। सीएट का ट्यूबलेस टायर है, हालाँकि इसको बहुत ज़्यादा दूर तो आप नहीं लेके जाएंगे, अप्रॉक्स 30-40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक ही लेके जाएंगे, बट उन बीच में अगर आपका टायर पंक्चर होता है तो इतनी जल्दी इसमें एयर नहीं निकलेगा, तो आप इजीली चलते चलते चले जा सकते हैं। और अब मैं आपको इसका सीट खोल के दिखाता हूँ, आई मीन जो सीट में स्पेस दिया हुआ है। तो सीट खोलने के लिए नॉर्मल लॉक साइड आपको राउंड करना है की को, और इजीली खुल जाएगी सीट। तो ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इसमें स्पेस मिलता है, और ये यहाँ का स्कूटी का चार्जर है जो कि नॉर्मल है, ये देख सकते हैं, और ये पिन जो है यहाँ पे लगता है, ये देख सकते हैं ये इसमें, और ये यहाँ पे टूल दिए गए हैं जो स्कूटी के साथ ही मिले हुए थे, और बाकी कुछ ऐसे ही पड़ा है। ये MCB है जो जिसे आप ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो जाते हैं, कुछ भी नहीं चलता है, और इसको जैसे ही ऑन करते हैं तो फिर से आपकी स्कूटी ऑन हो जाती है। देखिए ये ऑन हो गई, तो कुछ इस टाइप का है इसमें, और इसके नीचे यहाँ पे बैटरी रखी हुई हैं, और ये आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, आप मोबाइल चार्जर हुआ या कुछ पैसे हुए यहाँ पे छोटा मोटा रख सकते हैं। ये आपको कैरी बैग टांगने के लिए हुक मिल जाता है, और यहाँ पे आप बोरी वगैरह या कोई भी सामान रख सकते हैं। आपको जो बैक लाइट मिलता है एंड ब्रेक लाइट है, वो इसमें हैलोजन बल्ब मिलता है, ये बहुत ज़्यादा आपका बैटरी कंज्यूम करता है, और ये इसमें पार्किंग लाइट भी है, DD नंबर प्लेट की लाइट होती है, उसमें भी हैलोजन बल्ब है जो कि आपकी बैटरी को बहुत ज़्यादा खींचता है, तो इसमें LED बल्ब होते तो कम बैटरी खींचती। और ये यहाँ पे मोटर लगा हुआ है इसमें। अब आपको राइडिंग एक्सपीरियंस चलते चलते शेयर करते हैं, तो देख लीजिए कुछ इस टाइप का लुक है, ओवरऑल ये है। अब राइडिंग एक्सपीरियंस आपको शुरू करते हैं। यहाँ से सामने से सनलाइट आ रहा है तो काफ़ी अच्छा व्यू तो नहीं मिलता होगा आपको, बट जब यू टर्न लेके आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा। तो भी देखो पार्किंग मोड पे लगी हुई है, जैसे ही मैं ड्राइव मोड पे डालूंगा तो ये हो गई, एंड अभी फर्स्ट मोड पे ही है, और मेरे साथ पिलियन भी है, तो मैं और पिलियन चल देता हूँ यहाँ से। तो फर्स्ट मोड में आपको स्पीड, मैं इसकी टॉप स्पीड दिखाऊँगा कितनी है, और अच्छी खासी चलने में भी है भाई, और बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आप किसी के कान के नीचे निकल जाएंगे और पता नहीं चलेगा भाई, बहुत ही साइलेंटली चलती है, और स्पीड ओवरऑल ठीक ठाक है। ये फर्स्ट मोड में
इसका 47 स्पीड जाता है और 48 जा रहा है। हालांकि अभी मैंने इसको काफ़ी चलाया भी है, अप्रॉक्स 15-20 किलोमीटर अभी चला चुका हूँ, तो इसका बैटरी भी लो हो चुका है, वरना 50 चला जाता है फर्स्ट मोड में, तो चलने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट इसका जो ये ट्रिप मीटर है ना, मुझे वो गड़बड़ लगता है, क्योंकि काफ़ी जल्दी शो कर देता है कि ये देखो 400 मीटर दिखाने लगा है और अभी मैं 400 मीटर के अप्रॉक्स नहीं आऊँगा, हालांकि 300 के अप्रॉक्स आऊँगा तो 400-500 दिखाने लगता है, तो ये मुझे गड़बड़ लगता है। जिनके पास है ये स्कूटी ना, तो वो मुझे बताएं कि क्या ये गड़बड़ करता है या नहीं। और यहाँ पे आपको बैटरी का इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हुए हैं बैटरी के, और ये 5 सेल धीरे धीरे गिरते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीड, और इस पर कभी भी मत जाइए आप, ये स्पीड के अकॉर्डिंग डाउन भी होते रहते हैं, वेट रेशियो के हिसाब से भी ये डाउन होता है। विलियन के साथ है तो कम रेंज जाएगी, और अगर विदाउट विलियन है तो ये ज़्यादा चली जाएगी। तो जैसे कि कंपनी क्लेम करती है इसको कि 100 किलोमीटर तक जाएगी, वो कैसे जाएगी, जाएगी मैं ये नहीं बोलूँगा जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने खुद इसको 80-85 चलाया है और उसमें भी बैटरी थोड़ी बच गई थी, वो कैसे बची थी मैं ये बताता हूँ आपको। तो ये हुआ क्या था, मैं इसको लेके जाता हूँ और वो भी विदाउट पिलियन, और स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए 25-30, बस इसके ऊपर अगर आप भगाते ना तो वो इतना नहीं जा पाएगी, जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, इतने में चली जाएगी और विदाउट पिलियन जाएंगे तो जाएगी, वरना नहीं। अगर आप सोचे जैसे कंपनी ने तो आपको 100 किलोमीटर बता दिया और आप सोच के चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, आप रास्ते में फंस सकते हैं। विदाउट पिलियन जाइए 25-30, और वो भी कोई ज़रूरी नहीं कि 100, आप इसका 60-70 मान के चलिए, क्योंकि मैं पिलियन के साथ भी राइड करता हूँ तो ये पता चल जाता है, 60-70 मान के चलिए। तो ये है कुछ इस टाइप का, इसमें इतना ही मानिए आप, और अकॉर्डिंग टू द मोड, अगर आप इसको थर्ड मोड पे चलाएंगे तो आपको स्पीड इसकी बढ़ी जाएगी, और स्पीड बढ़ेगी तो बैटरी भाई जल्दी खाएगा, तो उसमें भी रेंज पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसमें कम दूरी तक जाएगी, तो ये भी हो जाता है भाई कि उतना नहीं जा पाती है। हालांकि आप अगर इसको जितना स्लो चलाएंगे उतना रेंज ज़्यादा जाएगी। तो अब इसको यू टर्न ले लेते हैं और कुछ आपको बताते हैं इसके सारे मोड्स की स्पीड। अभी फर्स्ट मोड में आपको दिखाई हमने 48 जाती है विद पिलियन, मेरे साथ पिलियन भी है, और भाई देखो हाईवे पे मोड़ा है, रॉन्ग साइड चल रहे हैं। अब हम भाई इसको डाल लेते हैं सेकंड मोड में, सेकंड गियर हमने लगा लिया है और भगाते हैं सीधा, देखते हैं भाई कितना ही जाएगी ये। तो अभी देखो स्पीड जैसे ही मैं बढ़ाता हूँ तो 2 सेल देखो ख़त्म हो चुके हैं, और यहाँ पे 53 जा चुकी है, 54, 55, और ये 55, 56 ही जाती है सेकंड गियर में। अब इसको लगा लेते हैं हम थर्ड गियर में और फिर देखते हैं कितना जाएगी ये टॉप स्पीड इसका कितना आता है निकल के थर्ड गियर में। तो ऑफ कोर्स ज़्यादा ही जानी चाहिए, क्योंकि कंपनी तो कुछ भी क्लेम नहीं करती है इसकी स्पीड, क्योंकि 30-40 ही क्लेम करती है, बट इसमें जहाँ से मैंने परचेज़ किया वहाँ से कुछ करके तो 70 तक चली जाती है भाई, और मैंने खुद इसको 70 तक चलाया है विदाउट पिलियन, और पिलियन के साथ मुझे पता नहीं कितना जाएगी। और 62 जा रही है अभी, 63, 64, 65, 65 जा रही है अभी विद पिलियन, 66, और मैंने फुल थ्रॉटल दे रखा है 65-66 के ऊपर नहीं जा रही है, हो सकता है फुल बैटरी हो तो थोड़ा और जाए, बट ओवरऑल 65 ही जाती है, और चलने में भाई काफ़ी अच्छी है, लोकल के लिए बहुत ही अच्छी है अगर आप टाउन में चलाना चाहते हैं। बट अगर आप सोचें कि इसे हम 70-80 किलोमीटर लंबा लेके जा सकते हो तो मेरे हिसाब से भाई मत लेके जाओ, क्योंकि आप रास्ते में खड़े हो सकते हो भाई, 20-30 कौन ही चलेगा, ये हो सकता है अगर आपका कोई भी 50 किलोमीटर तक आपका कोई काम है तो आप जाइए वहाँ रुकिए और इसे चार्ज करिए और चल सकते हैं वहाँ से। तो अभी आपको इसका प्राइस एंड सारा कुछ बताता हूँ, क्या इंश्योरेंस मिलता है इसमें, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ कहीं पे आगे रुक के। तो बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो इसमें लिथियम बैटरी वाला
जो मॉडल है वो आपको मिल जाता है 90,600 रुपीज़ का। और इसमें भी ये है कि आप अगर इंश्योरेंस आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला कि अगर आप अलग से कराना चाहते हैं तो अलग से हो जाएगा, बट इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं है। और इंश्योरेंस का मैंने पूछा था तो कंपनी से कुछ भी इंश्योरेंस नहीं मिलता। अगर आप थर्ड पार्टी मतलब किसी अदर पर्सन से कराना चाहें इसको इंश्योरेंस, तो वो शायद हो जाए, बट ऐसे कोई भी कंपनी से इंश्योरेंस नहीं मिलता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जैसे कि ओला हुई उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो उस हिसाब से उसमें इंश्योरेंस भी मिलता है, रजिस्ट्रेशन भी मिलता है, ग्रीन नंबर प्लेट भी लग के आता है। अगर आप अलग से इसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अगर आप अलग से इसका इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो इंश्योरेंस करा लीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। सारा कुछ फाइबर पार्ट है, हालांकि इतनी जल्दी गिरेगा तो नहीं, बट भाई कोई देख के नहीं आया कब क्या हो जाए, कब गिरे तो स्क्रैच हो सकते हैं। हालांकि इसका पार्ट मैंने पता किया था, आएगा खर्चा बट बहुत ज़्यादा नहीं। ओवरऑल लुक वाइज देख लीजिए। अगर आपको कोई भी इस पर कमेंट करके बताइए, अगर कोई भी टॉपिक आपको पूछना है या कुछ भी आपको डाउट है तो मैं सारा कुछ क्लियर करके आपको बताऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में पास में देख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।